नमस्ते दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? कोरोना की गाइडलाइन का आप लोग फॉलो तो कर रहे हो, जो सरकार के द्वारा आप लोगों को, हम लोगों को जो गाइडलाइन दी जा रही है, किसके खिलाफ? कोरोना महामारी जैसी बीमारी से लड़ने के खिलाफ जो गाइडलाइन दी जा रही है ना, आप लोग उसको फॉलो तो कर रहे होगे। और यदि आप लोग उसका फॉलो कर रहे हो कोरोना की गाइडलाइन का, तो आप लोग अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर छोड़े कि हाँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं घर पे हूँ और स्टे होम कर रहा हूँ। जैसे ही दोस्तों हम लोग इस कैलेंडर के अंदर देखते हैं ना, और अब क्या चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, और इस कैलेंडर के अंदर देखते हैं ना, तो 1 मई 2 मई 3 मई 4 मई इस तरह से दोस्तों हम चलते जाते हैं ना, तो क्या होता है, 9 मई को एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। वो डे कौन सा है? मदर्स डे, मातृ दिवस। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर माँ की ममता क्या होता है, और जिस बच्चे के पास में माँ की ममता नहीं होती ना, आप उस बच्चे से जाके पूछो कि माँ की ममता क्या होता है। आप लोग को वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएगा कि वो बच्चा माँ की ममता क्या होती है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर आखिरकार मातृ दिवस, मदर्स डे पहली बार कहाँ पर बनाया गया है, और पहली बार बनाया गया है तो वो डाटा क्या था, यानी कि उस तक समय क्या था। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त नहीं करनी, हमें ये भी समझना होगा कि आखिरकार इस दिन आखिरकार होता क्या है, हम माँ के साथ में जो गिफ्ट देते हैं आखिरकार उस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे को। और इसी के साथ में हम लोगों को यहाँ पे ये भी जानना पड़ेगा कि आखिरकार जो आंदोलन हुआ था मदर्स डे को लेके, जो हैप्पी मदर्स डे हम बनाते हैं ना, जो मातृ दिवस को लेके आंदोलन हुआ था, उसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। और इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आप लोगों का माइंड को कूल करता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को नॉलेज फुल दे सकूं। जी जी ओ ओ ओ ओ, ओ जी जी एले एले ई ई गुलगुलो। अब हुआ आप लोगों का माइंड कूल, मैं देता हूँ आप लोगों को नॉलेजफुल। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड की बात प्रजापति के साथ। आओ समझते हैं कि आखिरकार जो 9 मई को हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, माँ की ममता, ये इसका इतिहास क्या है, इसका इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है दोस्तों, दो अमेरिकन लेडी आती है, दोनों ही माँ बेटी है। माँ का नाम क्या है? अन्ना रिस जार्विस, ये माँ है। और ये माँ किसकी है? अन्ना जार्विस की माँ है, दोनों ही अमेरिकन लेडी है। अब क्या होता है, आप लोग इस स्टोरी को ध्यान से सुनो। इनकी जो मम्मी है ना, चर्च में पढ़ाती है। एक दिन क्या होता है, संडे स्कूलिंग टीचिंग के दौरान, जब इसकी बेटी कितने साल की थी, महज 12 साल की थी। 12 साल की कौन थी? तो आप बोलेंगे अन्ना जार्विस। इस समय ये क्या होता है, जो चर्च होती है, चर्च के अंदर ये इनकी माँ के द्वारा कुछ स्टूडेंट बेटे होते हैं, और ये भी बेटी होती हैं। इनकी माँ के बोल वचन कुछ इस प्रकार थे, इनकी माँ ने ये बोला था कि पूरे विश्व भर के अंदर एक दिन ऐसा आएगा कि माँ की ममता, मातृ दिवस पूरे विश्व भर के अंदर फैल जाएगा। इनकी माँ के द्वारा ये बोल वचन दिए गए थे। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले पुरुषों को ही महत्व दिया जाता था। इस बात को आप लोग जानते हैं कि पहले पुरुष प्रधान समाज था, पर आज महिला पुरुष से आगे। इनके एग्जाम्पल आप अपनी आंखों से देखते होंगे, और अर्जी के अपनी आंखों के किताबों, पन्नों, टीवी के अंदर, अपनी बुकों के अंदर ढूंढते होंगे, या अपनी आंखों से दिखता ही होगा कि पुरुष अब महिला से आगे है। उनके भी जो पुरुष काम कर रहे हैं वो महिला काम कर रही है, और जो पुरुष जो काम कर नहीं रहे वो महिला उनका बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। पर दुख की बात है कि इनकी माँ के द्वारा ये बोल वचन बोलते ही दिए जाते हैं, पर इनकी माँ खत्म हो जाती है। जब से ही इनकी बेटी कौन, अन्ना जार्विस के द्वारा ये ठान लिया जाता है, एक बड़े, एक लार्ज स्केल के ऊपर मूवमेंट, आंदोलन किया जाता है, और पूरे इकट्ठा होके एक इस दिन के अंदर जो मातृ दिवस है ना, जो माँ की ममता को लेके उनका ये कहना था कि उनकी जो बेटी है ना, उनके द्वारा जो बढ़ चढ़ का आंदोलन किया गया था, उनकी बेटी का ये कहना था कि हर बच्चा होता है जो अपनी माँ की ममता भूल जाता है, माँ की सराहना, माँ के जो मजबूत संबंध होते हैं ना, वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसके द्वारा दोस्तों क्या गया, इनके द्वारा ये मांग की गई कि एक ग्रुप बनाया था, जो आंदोलन बनाया था, उनके द्वारा ये मांग की गई थी पूरे विश्व भर के अंदर इस दिन को
अवकाश घोषित किए जाए और इसी के साथ में ही क्या किया गया, 8 मई 1914 को अमेरिका की संसद का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे कांग्रेस। इनके जो मई के ही तत्कालीन राष्ट्रपति कौन, विंडो के द्वारा 8 मई 1914 को ये पूर्णतः घोषित कर दिया गया है कि मदर्स डे है ना, मई के सेकंड रविवार सेकंड संडे को बनाया जाएगा और पूरे विश्व भर के अंदर ही मई के सेकंड संडे को ही मदर्स डे बनाए जाने लगा। पर बात यह है कि दोस्तों, जैसे ही मई के जो सेकंड संडे की बात आ रही ना, तो आप लोग खूब अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि जो मैं आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ ना, वो डाटा आप लोग देखिए। जैसे कि 2020 के अंदर कब बनाया गया था मदर्स डे, 10 मई को बनाया गया था। आज 2021 में आप लोग मेरे मुँह से क्या सुन रहे हो, 9 मई को बनाया जाएगा, और इसी तरह से 2022 के अंदर 8 मई को बनाया जाएगा और 2023 के अंदर 14 मई को बनाया जाएगा। इन डेटों से आप कुछ निष्कर्ष निकाल लो, इन डेटों से ये निष्कर्ष, ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जब मदर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो मई के सेकंड रविवार को जो भी तारीख पड़ेगी उसी दिन मदर्स डे हो जाएगा, उसी दिन माँ की ममता हो जाएगा, उसी दिन हम लोग मिलके माँ के लिए केक ले आएंगे, और माँ के लिए केक ले जाएंगे, उसको काटेंगे और माँ को भी खिलाएंगे, और माँ से बोलेंगे हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स मोम, इस तरह के शब्द बोलेंगे। और इसी दिन क्या होता है, माँ को जो उसका बेटा होता है, जो उसकी बच्ची होती है ना, उसके द्वारा गिफ्ट दिया जाता है, और पूरी फैमिली एक साथ मिलके डिनर करती है, और जो फैमिली होती है, जो माँ होती है, माँ के साथ में हम इस दिन चर्च में जाते हैं, और मैंने चर्च वाली स्टोरी आप लोगों ने सुनी ली होगी। अब देखते हैं कि आखिरकार पहली बार जो मदर्स डे है ना, वो कब बनाया गया, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। पहली बार मदर्स डे 10 मई 1908 को अन्ना जार्विस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इनके एक चर्च है, और चर्च का नाम है एस.टी. एंड्रियो मेथोडिस्ट चर्च है, और ये चर्च कहाँ पर है, ग्राफ्टन है, और ग्राफ्टन कहाँ पड़ता है, वेस्ट वर्जीनिया के अंदर पड़ता है। यही वो समय था जहाँ पर 1908 को, यानी कि 10 मई 1908 के अंदर मदर्स डे पहली बार बनाया गया। तो आप लोग भी, मदर्स डे आ चुका है, आप लोग अपनी माँ को बोलो हैप्पी मदर्स डे, उनको गिफ्ट देना है तो गिफ्ट दो, केक काटना है तो केक काटो, और अपनी माँ को खिलाओ और खुद भी खाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाय दोस्तों, हम लोग हमेशा से ही सोचते थे कि आखिरकार न्यूज आर्टिकल को, इनको रीड करके अपनी नॉलेज को बूस्ट करना चाहा और इनके सही मायने जानने की कोशिश की। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने एक पॉजिटिव वीडियो बेस्ड सॉल्यूशन निकाला। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कुछ वैल्यू मिलती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और फ्यूचर के अंदर ऐसी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहे। और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। आपका दिन मंगल हो।